हेलो एवरीवन, आई एम रिद्री ऑन योर वॉचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे मैकआउट का जो इवेंट सेमेस्टर आप लोगों का होने वाला है उसका जो एनरोलमेंट है, एनरोलमेंट प्रोसेस चालू हो गया है, अभी से आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो कैसे आपको एनरोलमेंट करना है वो आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, और ये भी आपको बता देंगे कब तक आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, कब तक ये जो एनरोलमेंट प्रोसेस है ये चालू रहेगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, शेयर मस्ट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग अभी जहाँ पे हैं वो है MacOutExam.net, मतलब MacOut का जो ऑफिशियल वेब पेज है वहाँ पे हैं हम लोग। तो नीचे इजीली यहाँ से स्क्रॉल कीजिए तो आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म, तो इसको इजीली क्लिक कर लीजिए। फिर उसके बाद चले जाइए आप स्टूडेंट यहाँ पे, फिर इजीली आप अपना जो यूज़र नेम है एंड पासवर्ड आप दे दीजिए। पासवर्ड दे देने के बाद आपको इजीली क्या करना है, इजीली यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट हो जाने के बाद आपको मिल जाएगा एक ऐसा फॉर्म, यहाँ से इजीली आप सेमेस्टर एनरोलमेंट जहाँ पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा ऐसा एक पेज, जहाँ से इजीली यहाँ पे साइड में जाएंगे और इजीली यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर आपका हो सकता है, सिक्स सेमेस्टर, एथ सेमेस्टर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मिल जाएगा ऐसा एक पेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली आपको क्या करना है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पेज आपको मिल जाने के बाद आपको इजीली क्या करना है, इसको यहाँ पे जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे तीन मार्क टाइप का एक मार्क है वहाँ पे आपको इजीली क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा ऐसा एक पेज जहाँ पे दिखा रहेगा सब्जेक्ट सिलेक्शन। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लिया है, तो आप लोग भी अपना हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाने के बाद आपके वहाँ पे सेव करना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में पहले जाइए, फिर वहाँ पे जो जो सब्जेक्ट आपका है सब ठीक ठाक है या नहीं आप देख लीजिए, फिर सेव कीजिए। फिर यहाँ पे इजीली आपको प्रीव्यू में जाना पड़ेगा। प्रीव्यू में जाने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे इजीली आपका हर एक चीज़ लिखा रहेगा, आप देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपका है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। फिर इजीली यहाँ पे आपको क्या करना है, आई कॉन्फर्म दी अबव एंड इजीली आपको कॉन्फर्म एंड सबमिट करना है। ये देखिए ऐसे सबमिट कर देने के बाद आपका जो है ये फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है आपको मैकआउट 2020 जो इवेंट सेमेस्टर आप लोगों का होने वाला है वहाँ का फॉर्म फिलअप। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मस्ट बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक, शेयर मस्ट करना, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।